पहले वो सोसाइटी में दो तबके होते हैं, एक वो जो सो कॉल्ड गंदी चीजों को पसंद करते हैं और एक वो जो गंदी चीजें जहां से निकल रही हैं उस ओरिजिनेशन को ही खत्म कर दो तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। बात तो सही है। खैर ये भी ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल से समझते हैं। एवरीवन नोज कि मैगी एंड जो नूडल्स है एंड जो फास्ट फूड है वो कितने हानिकारक हैं अपनी सेहत के लिए, लेकिन फिर भी लोग इसे रेस्पॉन्स देते हैं, इसे कंज्यूम करते हैं। तो क्या यहाँ पर ओरिजिनेशन को ख़त्म करेंगे तो बात सुलझ जाएगी, या फिर उसे रेस्पॉन्स ना दिया जाए, उसका कंजम्पशन पे ही डिनाई पूरा क्विट मूवमेंट चला दिया जाए तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। खैर इसके पीछे का भी ट्रूथ सभी लोग जानते हैं तो ये आप पर छोड़ते हैं क्या करना है क्या नहीं। भाई तो मैं ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मूवी आई है एक अमर सिंह चमकीला यानी चमकीला के नाम से, जो गंदे गंदे गाने गाया करते थे अपने उस दौर पर, जिस दौर पर शायद मैं भी पैदा ना हुआ हूँ और इस समय जो भी ऑडियंस देख रही होगी वो भी ना पैदा हुई होगी। बहुत छोटा सा करियर था, 1977 में स्टार्ट हुआ था, 1988 में ख़त्म हो गया था। कैसे? शूट आउट के द्वारा, यानी उसे शूट कर दिया था, उसकी पत्नी के सहित ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। बहुत कम समय में बहुत अच्छा नाम बनाया था, लेकिन नाम कैसे बनाया था? ऐसे गाने गाकर जो लोगों को पसंद आया करते थे। कुछ एक ऐसी सोसाइटी में वो एक तबका था जो इन मतलब सो कॉल्ड गंदे गाने कह सकते हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में या फिर सोसाइटी में भाई बहुत हर जगह से ऐसे गाने हमें देखने को मिलते हैं, वो वर्ड्स देखने को मिलते हैं जिनसे वो गानों को एक बार के लिए ऑब्जेक्टिफाइंग करा जाता है। खासकर वुमेंस को लेके एंड गर्ल्स को लेकर बहुत से ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, उनकी जो बॉडी या फिर उनसे रिलेटेड वर्ड्स, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर इतना डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। तो चमकीला साहब इस तरह के गाने गाया करते थे जो सोसाइटी का एक तबका फुल इंजॉय करता था, देन दूसरा तबका इस पर एक जजमेंट देता था कि ऐसे गाने नहीं गाना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। तो भाई साहब इसी पर मूवी बनाई गई है और अभी रिव्यू करेंगे कि आपको मूवी में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कौन थे ये अमर सिंह चमकीला और इनका असली नाम क्या था, सारी चीजें ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब रेगुलर अगर आप व्यूअर हो तो यार एक लाइक एक सपोर्ट बनता है। भाई साहब कहानी एक ऐसे सिंगर की है जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, ट्रेलर देखा था तो बिल्कुल एवरेज लग रहा था कि चलो ठीक है मूवी आएगी तो देख लेंगे। हाँ पहले ही बता दूं मूवी आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी नेटफ्लिक्स पर और जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटा 25 मिनट के आसपास, तो बहुत लेंथी भी नहीं है। लेकिन भाई जो ये कंटेंट कैरी कर रही है मूवी वो बिल्कुल चिपका के रखेगी, क्योंकि आप फील करोगे कि ये ना कुछ अपनी ही सोसाइटी की कहानी है, क्योंकि हर सोसाइटी में ऐसे तबके होते हैं और वो आसपास अपने एनवायरनमेंट में आप फील भी करते होगे, खासकर ऐसे लोकल एरिया में या फिर ऐसे विलेजर्स एरिया में जहाँ पर ये चीज़ें बहुत जजमेंटल होती हैं, देखकर ही जज करा जाता है, देखकर ही ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, तो वो चीज़ आप कनेक्ट कर लोगे वहाँ से। स्टोरी लाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, वो बंदा जब बहुत छोटी उम्र का था तो उसने देखा कि भाई ये सारी चीजें आसपास के लोग इसमें मजा ढूंढते हैं, मतलब ये चीज आपने भी देखी होगी कि किसी घर में लड़ाइयां हो रही हैं, गाली गलौज वगैरह कुछ भी तरीके से, तो आसपास के लोग मजे भरपूर लेते हैं उस पर। तो ये चीज शायद मेरे अंदाजे से कि उसके दिमाग पर यह घर कर गई होगी। धन्यवाद। वो जो सिंगर बनना चाहता, मतलब सिंगिंग तो उसकी क्वालिटी थी ही थी, लेकिन उस सिंगिंग में वो क्या है एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दे कि लोगों को पसंद आए, देन वो वहाँ से उसे क्लिक करा एंड वो अपनी सिंगिंग में वो सारे वर्ड्स, ऐसे अग्रेसिव वर्ड्स या फिर ऐसे सो कॉल्ड डर्टी वर्ड्स को ऐड करना जो लोगों को पसंद आया करता था। लेकिन वही चीज़ की समाज के एक लोगों को वो चीज़ पसंद भी नहीं आती थी कि कितना गंदा ये है वो वगैरह वगैरह। नाम इसका अमर सिंह संडीला था, लेकिन नाम चमकीला कैसे पड़ा भाई साहब, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप खुद देख लेना मूवी में कैसे ये नाम पड़ा है। तो भाई साहब कॉन्टेंट के हिसाब से बोले तो मूवी बिल्कुल भी प्योर कंटेंट मूवी है, आपको एक एक चीज़ जबरदस्त तरीके से कनेक्ट भी कराएगी और वर्थ इट, मतलब आप अगर अपना समय दे भी रहे हैं तो एंटरटेनमेंट तो देके भी जाएगी, लेकिन साथ में कुछ ऐसी वैल्यूज भी देके जाएगी, कुछ ऐसी सीख भी देके जाएगी जो भाई सोसाइटी का ही प्रॉब्लम है। मतलब किसी एक की गलती नहीं होती है, सबकी गलती मिला के वो गलती बहुत बड़ी बनती है, ये चीज़ पे काफ़ी फोकस करा गया है। बाकी एक्टिंग की अगर बात करें तो भाई साहब दिलजीत दोसांझ ने क्या तड़का लगाया है इसमें, मतलब ये बंदा अपना 101% एफर्ट जो देके काम किया है इसमें भाई वो टच करके गया है। परिणीति चोपड़ा लग नहीं रहा था कि भाई वो जो पंजाबी लैंग्वेज में जो सिंगिंग होती है, देन उसके बाद वो पहले तो 1977 और 1980 के आसपास का वो ऑरा को मैच करना, उसके हिसाब से वो जो लोकेलिटी को फील करना कि
क्योंकि बजट की बड़ी तंगी हुआ करती थी। टेंट लगा के मतलब अखाड़ा जो वहाँ कहा जाता था, हरियाणवी लैंग्वेज में अखाड़े का मतलब अलग है, लेकिन पंजाबी लैंग्वेज में अखाड़े का मतलब वहाँ पर वो अलग होता है, स्टेज परफॉर्मेंस अगर हम कह सकते हैं। तो वहाँ कोई ऐसा हाई फाई लाइटनिंग वगैरह वाला स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होते थे। एक माइक दिया जाता था, चमकीला के पास अपना एक वो बजाने वाला होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, परिणीति चोपड़ा को भी उसी माइक को शेयर करके गाना गाना है, एंड अपने दिलजीत दोसांझ को भी उसी माइक को शेयर करके गाना गाना है। तो वो जो बारीकी वो डिटेलिंग उसमें निकाली गई है, मतलब डायरेक्टर की तरफ से जो डायरेक्शन दी गई है, एंड कुल मिला के बात ये कहूँ तो जो ठोस वर्ड में भाई साहब सिनेमाटोग्राफी इसकी जिस हिसाब से हुई है वो एक एक चीज़ों को देख के बहुत बारीकी तरीके से हुई है। लगा दूसरा भाई, जब भी दिलजीत दोसांझ सामने आएगा, स्टेज पर आएगा, आप भूल जाओगे कि ये दिलजीत ही है भाई। वो अमर सिंह चमकीला को जिस तरीके से डिफाइन कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और जिस डेडिकेशन के साथ वो सब चीज़ें करी है भाई, आपको लगेगा कि यार एक्चुअल में अमर सिंह चमकीला यही था। स्टोरी की बात करें, पकड़ के रखती है आपको, शुरुआत जैसी होगी भाई लास्ट कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा, और जिस हिसाब से स्ट्रगल को दिखाया गया है वो भी दमदार था। देन उसके बाद भाई साहब वही चीज़ दिखाई गई है कि सोसाइटी को क्या क्या पसंद आता है, क्योंकि उसी के हिसाब से एक्ट करा जाता है। अमर सिंह चमकीला के अगर वो गाने लोगों को पसंद नहीं आते तो क्या वो बंदा अपनी सिंगिंग छोड़ देता? नहीं छोड़ता, सिंगिंग उसकी क्वालिटी थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा मिंट या फिर एलिमेंट, वो फ्लेवर कह लो, वो फ्लेवर लोगों को पसंद आता था। दैट्स वाई कि उस फ्लेवर में वो और भी ज़्यादा बूस्टर ला के आता था। ये चीज़ें थी। मूवी देख लीजिए, दमदार है, इजीली अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी मूवी। ये यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया, तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।